चलो बेटा आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ कैपिटल इज 40,000, क्रेडिटर्स आर 25,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज 50,000, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड आर 40,000। अब ध्यान देना, ये जो दिया होगा ना, ये आपको ओपनिंग कैपिटल दिया होगा, ये भी आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए होंगे, और ये साल के दौरान क्या क्या किया आपने वो भी समझ लो। ये रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज 50,000, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 40,000। रेवेन्यू बेटा मतलब एक प्रकार से अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो सेल अगर हम करते हैं तो उसे ही रेवेन्यू कहा जाता है। अगर हमारा बिजनेस सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है तो वहाँ पे जितनी हमने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं वो हमारा रेवेन्यू हो जाता है। तो एक प्रकार से सेल है, सेल ऑफ चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। उसके बाद आइए एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 40,000। हमारे इनकम इतनी हुई है, एक्सपेंसेस इतने हुए हैं, तो कहने का मतलब ये कि ये बता दो कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। 40,000 रुपये एक्सपेंस हुआ, 50,000 इनकम हुई, तो हमारा बेटा प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, है कि नहीं? तो ये हो जाता है 50,000 माइनस 40,000, दैट इज हाउ मच, 10,000। तो बेटा ये 10,000 हमारा है प्रॉफिट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब हमारे टोटल एसेट्स जो पूछ रहा है वो टोटल एसेट्स कैसे आएंगे? आपको मालूम है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, ये मालूम है हमको। एसेट्स हमें दिए नहीं हैं, ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल दिया हुआ है 40,000 प्लस लाइबिलिटी दी है 25,000। आगे चल के ध्यान रखना, इस कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ जाएगा। ये क्या जुड़ गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट से कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है ना। तो ये कैपिटल हो गया प्लस 25,000। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? एसेट्स इज इक्वल टू 50,000 प्लस 25,000, दैट इज हाउ मच, 75,000। तो 75,000 हमारे टोटल एसेट्स हैं। क्लियर है बात? चलो